हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। प्रीमियम हैचबैक की डिमांड और कंपटीशन इंडिया में बढ़ता ही चला जा रहा है, उसी को देखते हुए आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा ऑल्ट्रोस वर्सेस ह्यूंडई की न्यूली i20 के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे किस गाड़ी में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, किस गाड़ी में आपको ज्यादा अच्छा इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जाने कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी। तो मेक श्योर वीडियो पूरी की पूरी एंड तक देखिएगा। चैनल में नए तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन से लेके। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर कापा सीरीज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा i20 में। ऑल्ट्रोस में आपको 1.2 लीटर रेवरट्रॉन का इंजन देखने को मिलेगा। पावर की बात करें 86.86 bhp की देखने को मिलेगी मैनुअल में और 86.80 bhp की देखने को मिलेगी आपको ऑटोमेटिक में। फिर मैं बात कर लेता हूँ ऑल्ट्रोस में आपको 84.82 bhp की देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलता। टॉर्क की मैं बात करूँ आपको 114.74 nm का देखने को मिलेगा, आपको ऑल्ट्रोस में आपको 113 nm का देखने को मिलेगा। पावर टॉर्क की बात करो जब टॉर्क की देखने को मिलता है i20 का, आपको 4 सिलेंडर का देखने को मिल जाता है i20 का और आपको ऑल्ट्रोस का 3 सिलेंडर का देखने को मिलता है। ऑल ओवर मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको बात करूँ पावरफुल और टॉर्की इंजन आपको देखने को ऑल्ट्रोस का नहीं i20 का देखने को मिलेगा, जो आपको ज्यादा पूरा का पूरा आपको पावरफुल और टॉर्की देखने को मिलता है। माइलेज भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्लेम करी जाती है i20 में। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको एक और न्यूली इंट्रोड्यूस करा इंजन हुआ है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल। अगर उसको हम 1.2 लीटर से कंपेयर करें तो इसके अंदर आप देखेंगे काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। पावर आपको 118.636 bhp की देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा है। आप देखेंगे 84.82 bhp की देखने को मिल रही है उसमें। टॉर्क की मैं बात करूँ 117.82 bhp का देखने को मिल जाता है, वही मैं बात करूँ 113 nm का देखने को मिलेगा ऑल्ट्रोस में। काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है इसके टर्बो पेट्रोल इंजन में। वही मैं बात करूँ ऑल्ट्रोस का भी टर्बो इंजन बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आने वाला है। मैं बात करूँ इसमें 3 सिलेंडर ही देखने को मिलता है, दोनों में आपको 3 सिलेंडर देखने को मिलेगा। पावरफुल होने के साथ और टॉर्की इंजन होने के साथ उसके अंदर आपको देखे तो माइलेज भी ज्यादा अच्छी क्लेम करी जाती है, तो डेफिनेटली मुझे काफी अच्छी बात लगी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1.5 लीटर का डीजल इंजन के बारे में। इसके अंदर आपको 98.86 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी i20 में। वही मैं बात करूँ ऑल्ट्रोस में आपको 88.76 bhp की देखने को मिलेगी, जो काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टॉर्क की बात करें 240.26 nm का देखने को मिलेगा, ऑल्ट्रोस में आपको 200 nm का देखने को मिलेगा। काफी डिफरेंस है इसके अंदर भी देखें, 4 सिलेंडर के दोनों इंजन देखने को मिलेगा। माइलेज क्लेम करी जाती है i20 में 25.2 kmpl की, ऑल्ट्रोस में आपको 21.11 kmpl की देखने को मिलेगी। काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वही मैं बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन की बात करो लेंथ में सबसे पहले आप देख पा रहे ग्राउंड क्लियरेंस कब तक कुछ क्लियर नहीं करा गया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपको 165 या 170 तक की देखने को मिल जाया करेगी। नेक्स्ट में बात करूं व्हील बेस के बारे में, आपको 2580 का देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया अगर ऑल्ट्रोस से कम करेगा 2501 का देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत बढ़ाया गया पर काफी अच्छी बात है। ऑल ओवर जो डायमेंशंस है, इंजन स्पेसिफिकेशन है, डेफिनेटली काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इस नई इलीट i20 में एज कम्पेयर टू टाटा ऑल्ट्रोस। तो चलिए उन फीचर की बात कर लेते हैं जो आपको न्यूली i20 में तो देखने को मिल जाते हैं पर टाटा की ऑल्ट्रोस में नहीं देखने को मिलते। सबसे पहले आपको वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो आपको ऑल्ट्रोस में नहीं देखने को मिल जाती है। बात आपको बात कर लूँगा रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है, जो डेफिनेटली मुझे काफी अच्छा लगा। अब सेंटर लॉकिंग के थ्रू ही आप अपने इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, जो काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। फीचर में बात करूँ वायरलेस चार्जिंग विद कूल पैड देखने को मिल जाता है, जो अभी तक फर्स्ट इन सेगमेंट रहा है इसके अंदर, सेकंड जनरेशन से देखने को मिल रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। आपको DRVM देखने को मिलेगा, जैसे आप गाड़ी चला भी रहे होंगे फॉरवर्ड गियर पे लगा के, तभी आप पीछे देख सकते हैं आपके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही क्या है। वहीं बात करो पटल लैंप देखने को मिलेंगे विद वेलकम फंक्शन, जो आपके जस्ट ओवर के नीचे लगे हुए मिलेंगे। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देखने को मिलेगा, जो एक देखें तो फिर से एक सेफ्टी फीचर का फीचर है, जो काफी डेफिनेटली काफी अच्छा लगा। जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो अपने आप ही ब्लिंक करने लग जाएंगे। नेक्स्ट आपको ब्लू लिंक बटन देखने को मिलेगा IRVM में, इसमें आपका SOS और भी फीचर देखने को मिलेंगे, ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा, ब्लू लिंक देखने को मिल जाएगा, जो आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, ब्लू ऐप देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात लगी आपको स्मार्ट वॉच ऐप देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं
और भी भरपूर फीचर्स हैं इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इको कोटिंग देखने को मिल जाएगी एसी में, वही मैं बात कर लेता आपको। ऑक्सो बूस्ट एयर प्यूरिफायर देखने को मिल जाएगा, टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेगा, फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर है। नेक्स्ट हम बात करो प्रीमियम लेदर अपहोल्स्टरी सीट्स देखने को मिल जाएंगे, जो डेफिनेटली काफी बढ़िया बात निकल जाती है, लेदर सीट्स देखने को मिल जा रही है। और मैं बात कर लेता आपको हिल असिस्ट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ये भी डेफिनेटली कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा, मैनुअल में देखने को मिलेगा ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। अभी मैं बात करूं अभी ऑल्ट्रोस में आपको टिल्ट ही देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ सेगमेंटली किंग के बारे में, बलिनो में आपको दोनों के दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको सिक्स एयरबैग देखने को मिलेगा, जो आपको टॉप ऑफ द लाइन में ही देखने को मिलेगा, मतलब कि एस्ट्रा मॉडल में ही देखने को मिलेगा, एस्ट्रा ऑप्शनल में। बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा, सेवन स्पीकर के आपको देखने को मिल जाया करते हैं। टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे आपको 10.25 इंच की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगी, जो अभी की सेगमेंट में सबसे बड़ी देखने को मिल जाती है। ऑल्ट्रोस में आपको 7 इंच की देखने को मिल जाती है। वहीं मैं बात करूं कलर आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो डेफिनेटली काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं ऑल्ट्रोस में ऐसे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको i20 में नहीं देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको वेरिएबल की बैंड देखने को मिलेगा इसके अंदर, वैसे ही जैसे कि आप गाड़ी के पास लेंगे अपने आप ही गाड़ी अनलॉक जैसे अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, वैसे ही वर्क करेगी। पर इसमें आपको ना टाइम ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, बस सिंपल है ऐसे ही है। वहीं मैं बात कर लेता आपको अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिल जाता है। वहीं मैं बात कर लेता आपको 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स देखने को मिल जाएंगे, चारों के चारों डोर 90 डिग्री पे ओपन होंगे, जो डेफिनेटली काफी अच्छा लगा। वहीं मैं बात कर लेता आपको फ्लैट आपको फ्लोर देखने को मिल जाएगा, रेयर वाला ऑलमोस्ट फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट नहीं पर ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है, जो आपको थोड़ा बहुत लेग रूम बढ़ा देता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे थोड़ी बहुत माइलेज इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आपको ड्राइव मोड्स देखने को मिलेंगे। Hyundai आप देखेंगे Hyundai में i20 में आपको कोई ऐसा फीचर नहीं देखने को मिलता, इसके अंदर आपको सिटी और इकोनॉमी दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं, आपको EBD देखने को मिल जाएगा, आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। वही मैं बात कर लेता हूँ ऑटोमेटिक डोर रीलॉकिंग देखने को मिलेगा इफ नो एंट्री फॉर 30 सेकंड्स, जो काफी बढ़िया बात लगी है। कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान हम भूल जाते हैं कि उसको लॉक करना गाड़ी को, तो अपने आप ही 30 सेकंड बाद लॉक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात है, काफी सेफ्टी दिखा रही है टाटा। वहीं मैं बात कर लेता आपको नेविगेशन देखने को मिलेगा, फिर टर्न टू टर्न इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा, जैसे कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में बार बार देखने की जरूरत नहीं, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आपको शो करेगा कि आपको अब लेफ्ट जाना राइट जाना, और इवन आपको म्यूजिक भी कौन सा प्ले कर रहा है वो भी इसके अंदर आपको दिखाएगा, जो डेफिनेटली काफी अच्छा लगा। और उनको मैं बता दूं अगर सेफ्टी वाइज में अगर बात करूं तो 5 स्टार इस गाड़ी को मिले ऑल्ट्रोस को, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया बात है। इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं और कोई गाड़ी अभी आई नहीं है जिसके अंदर आपको 5 स्टार देखने को मिले, i20 का अभी तक क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, वो उम्मीद करी जा रही है उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या प्राइसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखा होगा i20 आपको ज्यादा इंजन में अच्छा देखने को मिल जाता है, फीचर्स में इतने ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं, प्राइसेस की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले पेट्रोल मैनुअल ट्रिप की बात करें तो आपको i20 ऑफर करती है, आपको शोरूम प्राइस की बात करूं आपको 6.80 से लेकर 8.70 लाख तक का देखने को मिल जाता है। ऑल्ट्रो से कंपेयर करें तो आपको 5.44 से लेकर 7.75 लाख का देखने को मिलेगा। आप जो देख पा रहे होंगे डिफरेंस, जो बेस से लेकर टॉप वेरिएंट में आप देखेंगे 1 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टर्बो का आप देखेंगे प्राइस 8.8 से लेके 10.67 लाख का देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में आप ऑटोमेटिक में देखेंगे जो आपको ऑल्ट्रोस में नहीं ऑफर किया जाता, इसमें आप देखेंगे आपको 8.60 से लेके 9.70 लाख का देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा प्राइस देखने को मिल जाता है। टर्बो पेट्रोल की मैं बात करूं ऑटोमेटिक में आपको 10.67 से लेके 11.18 लाख का देखने को मिलेगा। ऑल में बात करूं प्राइस काफी ज्यादा आपको i20 में देखने को मिलेगा। डीजल की बात करूं आपको मैनुअल में, इसमें आपको मैनुअल देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें आप देखेंगे 8.20 से लेके 10.60 लाख का देखने को मिल जाता है। ऑल्ट्रो से कंपेयर करें आपको 6.99 से लेके 8.95 देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इसमें भी आप देखेंगे काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लगभग आपको 1 लाख से भी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है बेस और वेरिएंट में। ऑल ओवर जैसे कि हमने इस गाड़ी का कंपैरिजन किया जैसे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इंजन के बारे में और भी भरपूर चीजों के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं i20 ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। पर अगर मैं अपनी तरीके से बताया जाऊं तो मुझे i20 ज्यादा ओवर प्राइस लगी है। उसी को देखते हुए अगर आपको यार फीचर्स सही, इंजन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अच्छी चाहिए और आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बजट पे कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा आप i20 को प्रेफर कीजिए। अब यार अच्छी देखने को मिल जाएगी, हाँ कहीं ना कहीं ओवर प्राइस देखने को मिल जाती है गाड़ी, पर आप थोड़े बहुत कम फीचर से चला सकते हैं काम, आपको सेफ्टी ज्यादा चाहिए
ऑल ओवर आपको ज्यादा अच्छा चाहिए कम पैकेज में बजट में, तो आपके लिए डेफिनेटली ऑल्ट्रोस एक बेटर चॉइस निकल के आ जाती है। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब किए भी ना चाहिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऋषभ कुमार, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।